Hello guys, welcome to Mahal Academy. Let us learn how to create a table with HTML code. So let's get started. What is table? Table क्या होती है? Table rows और columns का collection से मिलकर बनती है. और जो columns और rows होती हैं, वो cells को generate करती हैं. तो हमें HTML कोड से एक टेबल को क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम कोड कर लेते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में. तो पहले मैं इस फाइल को नाम दूंगा, इसको टाइटल दूंगा. HTML टेबल, और मैं यहाँ इसको एक हेडिंग दूंगा HTML टेबल. तो उसके बाद मुझे क्या करना है, इसमें मुझे एक टेबल बनाना है. टेबल बनाने के कोड लिखा जाता है, उसका हम टेबल टैग के अंदर लिखते हैं. टेबल टैग के अंदर जब टेबल बनाते हैं, तो उसके लिए हमें रो के अंदर डेटा फिल करना होता है. तो उसके लिए मुझे एक रो में डेटा फिल करने के लिए मुझे एक रो टेबल रो टैग लेना होगा. तो उसको लेने के लिए टेबल रो टैग, जैसे टी आर से टेबल रो टैग होता है. जब हमें एक रो में कुछ डेटा फिल करना है, जैसे डेटा में मतलब मुझको एक हेडिंग्स बनानी है, तो रो में मुझे हेडिंग्स का डेटा देना है, तो उसके लिए मैं टेबल हेडिंग टैग लूँगा. और टेबल हेडिंग टैग में कुछ डेटा जो मुझे हेडिंग देनी है, वो मैं इसके अंदर राइट करूँगा. तो उससे पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और इसको मुझे जितनी हेडिंग्स बनानी है, उतनी बार इसको मैं कॉपी कर लूँगा. जैसे मैं पहले सबसे पहले मैं इमेज में इस टेबल में एक स्टूडेंट का डेटा प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं सबसे पहले उसमें नेम लूँगा, जिसमें मुझे स्टूडेंट का नेम देना होगा. यानी मैं इसमें अराउंड 3 स्टूडेंट का डेटा प्रिंट कराना चाहता हूँ. तो नेम, सेकंड सी कोर्स, थर्ड ब्रांच, और फोर्थ फोर्थ डेटा हमारा रोल नंबर. और उसके बाद फिर से एक न्यू रो में, जैसे फर्स्ट स्टूडेंट का हमें डेटा प्रिंट कराना है, तो उसके लिए हम एक सेकंड रो लेंगे, जिसमें हम फर्स्ट स्टूडेंट का डेटा प्रिंट कराएंगे. तो उसमें हमें डेटा प्रिंट कराना है, तो उसके लिए हम टेबल डेटा टैग लेंगे. मैं इसको 4 जगह कॉपी कर लेता हूँ, ताकि मुझे दोबारा से टैग लिखना ना पड़े.
और मुझे इसमें चार स्टूडेंट का डेटा प्रिंट कराना है, तो मैं इसको पूरे को कॉपी करूँगा और इसको चार जगह में पेस्ट कर दूँगा। मुझे बस सिर्फ तीन स्टूडेंट का डेटा प्रिंट कराना है, तो मैं इसको तीन जगह प्रिंट कर लिया है। और उसके बाद मैं इसमें जो फर्स्ट स्टूडेंट का नेम दूँगा, जैसे ABC स्टूडेंट का नेम और स्टूडेंट का कोर्स BTech और उसकी ब्रांच जैसे IT और रोल नंबर 01। दूसरा स्टूडेंट जैसे LMN और तीसरे स्टूडेंट का नेम PQR और उसको कोर्स ले लेते हैं BTech और ब्रांच जैसे EN यानी इलेक्ट्रॉनिक्स और रोल नंबर 3। जैसे एक स्टूडेंट, ये तीन स्टूडेंट का हमें इसमें डेटा है जो कि हमें टेबल में प्रिंट कराना है, तो उसके लिए हम इसको अब इस फाइल को हम कंट्रोल एस से सेव करेंगे और जैसे HTML HTML टेबल नाम से हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं और हम कुछ में जाना है और उसको हम ओपन करेंगे। जैसे हमने इसको ओपन किया तो ये हमको एक क्या दिखाई दे रही है, एक टेबल दिखाई दे रही है, लेकिन अब इसमें बॉर्डर नहीं है। अब हमें यदि इस टेबल को बॉर्डर देना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, जब हम इसको टेबल हम टेबल को बॉर्डर देना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इस हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग का यूज़ करके हमें CSS डिफाइन करनी होगी। स्टाइल टैग के अंदर हमें CSS डिफाइन करनी है, तो उसके लिए हमें जिस टेबल को बॉर्डर देना है तो TAB टेबल और हम जो भी डिफाइन करेंगे वो इसके अंदर हम करेंगे जिस टेबल, और हमें और क्या टेबल रो को भी देना है और फिर हमें टेबल डेटा को देना है और उसके बाद हमें टेबल हेडिंग को भी बॉर्डर देना है TH TH, TD। और हमें क्या बॉर्डर देना है तो उसके लिए हमें कोड लिखेंगे, जैसे बॉर्डर कोलन, हमें जैसे बॉर्डर का साइज, अब हम बॉर्डर का साइज सेलेक्ट करें, जैसे हमें 2 पिक्स रखना है 2 पिक्स, और यदि हम बॉर्डर का बॉर्डर कोई कलर देना चाहें तो वो भी हम दे सकते हैं, जैसे SOLID सॉलिड ब्लू, इसे हमें सॉलिड ब्लू कलर देना है तो उसके लिए हम इस तरह से कोड करेंगे और तो कंट्रोल एस करते हैं, एड्रेस सेव, और उसके बाद जब हम पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख रहे हैं कि सब पे बॉर्डर हमारा बन के आ गया है। और इसके बाद हमें यदि हम क्या कि टेक्स्ट जो बॉर्डर उसके टेबल के अंदर जो टेक्स्ट लिखा है यदि हम उसको कलर देना चाहें तो उसके लिए हम क्या करेंगे, COLO कलर, कलर जैसे हम उसके उसको कलर देना है कलर देते हैं रेड, रेड कलर हमें उसे देना है
और इसको सेव करते हैं। उसके बाद जब हम पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख रहे हैं कि जो टेक्स्ट लिखा गया है वो रेड कलर में आ गया है। और यदि हमें क्या करना है कि जो टेबल है उसके बैकग्राउंड को, उसके बैकग्राउंड कलर, उसको बैकग्राउंड कलर देना है या उसके बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो उसके लिए हम लिखेंगे बैकग्राउंड कलर। जैसे हमें ये एक कलर लेंगे तो उसके लिए, उसके बाद हम इसको सेव करेंगे। और जब हम इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो बैकग्राउंड था टेबल का वो चेंज हो गया। और जैसे टेबल में क्या है कि हर जैसे हेडिंग्स की सेल है उस पर बॉर्डर अलग है और पूरी टेबल पे बॉर्डर अलग है, हर सेल का बॉर्डर अलग अलग दिखाई दे रहा है, लेकिन हमको सिंपली एक लाइन में बॉर्डर लेना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम बॉर्डर कोलैप्स का यूज़ करेंगे। और उसके बाद जब हम इसको सेव करेंगे तो उसके बाद आप देखेंगे कि ये सिंगल लाइन बॉर्डर हमारे पास आ गया है। अब ना तो सेल पे अलग बॉर्डर है, किसी भी सेल पे अलग बॉर्डर है नहीं, और पूरी टेबल पे और सिंगल लाइन बॉर्डर हमको यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस तरह से हम टेबल बनाते हैं। और हाँ, यदि हम चाहें, हमें क्या करना है कि जो टेबल है, मैं चाहता हूँ कि टेबल जो इस पेज की पूरी, इस डिस्प्ले की पूरी विड्थ को ले, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि जो टेबल टैग है, टेबल टैग में मैं उसको स्टाइल एट्रीब्यूट की हेल्प से उसकी विड्थ को सेट करूँगा। स्टाइल इक्वल्स टू और विड्थ डबल राइट मैं इसको 100% करूँगा, जैसे मुझे फुल विड्थ लेनी है तो उसके लिए मैं 100% लिखूँगा। उसको सेव करूँगा और उसके बाद मैं जैसे पेज को रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं कि जो ये टेबल थी उसने डिस्प्ले की पूरी विड्थ को लिया है। यदि मुझे चारों कॉलम की जगह ऊपर सिर्फ एक ही रो में कुछ डेटा देना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं कॉल्स फन एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगा। वो किस तरह से करूँगा, वो मैं यहाँ पे टेबल रो एक टैग लूँगा, ठीक है, टेबल रो टैग लिया। इसके बाद मैं इसमें जैसे उसको मुझे हेडिंग बनाना है तो उसके लिए मैं टेबल हेडिंग टैग लूँगा। अब टेबल हेडिंग टैग में जैसे मुझे क्या देना है, इस टेबल हेडिंग टैग में मैं लिखूँगा स्टूडेंट्स इन्फॉर्मेशन। और उसके बाद क्या है, अब इसको मुझे सेव करता हूँ। मैंने इसको सेव किया तो ये हमको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। मैं जिस पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो ये स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन केवल नेम के ऊपर आ रहा है इस कॉलम में, बाकी कॉलम्स में ये नहीं जा रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट नेम यहाँ पर मुझे शो हो, और ये दो कॉलम में जैसे डिवाइडेड है, ये केवल एक ही कॉलम में एक सिंगल रो बन जाए, और इस रो में ये स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन या बीच में शो हो, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं इसमें कॉल्स फन एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगा, कॉल्स फन एट्रीब्यूट का यूज़। और जैसे चार कॉलम, जैसे ये फोर कॉलम्स हैं, एक दो तीन चार, अभी चार कॉलम हैं तो मुझे क्या करना है कि अब चार कॉलम तो वहाँ पे चार लिखूँ, कॉल्स फन एट्रीब्यूट में चार लिखूँ तो चारों कॉलम मर्ज होके केवल एक सिंगल रो बन जाएगी और उसके अंदर स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन लिखा आएगा। तो जैसे मैं इसको सेव करता हूँ और मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो ये स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन बीच में लिखा है, बीच में राइट हो गया है और ये बीच में शो होने लगा है और ये सिंगल रो बन गई है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HTML लिस्ट। तो थैंक यू गाइस, और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।